हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयां। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, हरियाणा के अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के, HSSC के या फिर HPSC के या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा जी के मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया था पहले, आज हमारी ये सेकंड वीडियो रहेगी हरियाणा जी के मॉक टेस्ट की। तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं दोस्तों, और उन्हीं क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना होता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो हरियाणा जीके की तैयारी है वो टेस्ट की जाती है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अपनी तैयारी जो है वो किस लेवल पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका सामने जो राइट ऑप्शन होगा वो नवपाषाण काल, वैदिक काल, हड़प्पा काल या पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन शुरू किया? काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस पत्र का संपादन शुरू किया? हिंदू गजट, जाट गजट, सिख गजट या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आपको सारे राइट आंसर, और वीडियो के पब्लिश होने के 24 घंटे बाद आपको कमेंट बॉक्स में सारे राइट आंसर जो है वो दे दिए जाएंगे। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? करनाल, रेवाड़ी, सिरसा या फरीदाबाद। नेक्स्ट है, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? गुरुग्राम, अम्बाला, रेवाड़ी या फरीदाबाद। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 1925, 1920, 1923 या 1980। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, चौधरी छोटूराम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जो है, बायोग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। चौधरी छोटूराम जी के बायोग्राफी जो है उसका रिव्यू मैंने किया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपके चौधरी छोटूराम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उठते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पूछता है, वो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है, आपको बताना है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज या भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, गुड़गांव नहर द्वारा गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में सिंचाई की जाती है? पलवल, नू, फरीदाबाद या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर लिखना है आपको, गुड़गांव नहर द्वारा गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में सिंचाई की जाती है? पलवल, नू, फरीदाबाद या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? रूस व नॉर्वे, हॉलैंड व जर्मनी, ब्रिटेन व नीदरलैंड। रूस व नॉर्वे आएगा दोस्तों, रूस एंड नॉर्वे, हॉलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और जापान, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा या महेंद्रगढ़। राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट है, 1892 के लाहौर अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? 1892 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ में गुडियर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? गुडियर कंपनी पूछा गया है, बल्लभगढ़ के अंदर जो स्थित है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, उसके अंदर किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? कार, सिलाई मशीन, टायर या सीमेंट।
गुडियर एक फेमस कंपनी है जो आप सब लोग जानते होंगे, सुना होगा आपने नाम। नेक्स्ट है, किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? बी एन चक्रवर्ती नहर किसे कहा जाता है? बी एन चक्रवर्ती नहर किसे कहा जाता है? जुई नहर परियोजना, भिवानी उत्थान परियोजना, लोहारू उत्थान योजना या नरवाना परियोजना। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1984-85 में, 1990-91 में, 1995-96 में, या 1977-78 में? तो आपको राइट ऑप्शन जो है वो बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथिनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? हथिनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? और डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके जो है वो भी लगभग ऑलमोस्ट 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट की मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके जो है वो करवा रखी है। आपको वहाँ से जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके की, उसमें आप जाकर देख सकते हो। कंप्लीट नॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट का वो बताया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल या कुरुक्षेत्र? हथिनीकुंड बैराज परियोजना। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा की छोटी रेल लाइन कहाँ जाती है? रेवाड़ी से नारनौल, पलवल से यमुनानगर, कालका से शिमला या सिरसा से भिवानी। हरियाणा की छोटी रेल लाइन पूछा गया है कहाँ से कहाँ जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? सुल्तानपुर, कालका, फरुखनगर या गढ़ी हर्षरू। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट है, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाई जाती है? कांच बालू रोहतक, गुरुग्राम, दादरी या हिसार। किस जिले में पाई जाती है? हरियाणा उदय क्या है? हरियाणा उदय क्या है? सीएनजी बस सेवा, मेट्रो सेवा, मेमू ट्रेन सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जो होगा आपका वो कमेंट करना है। नेक्स्ट है, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? कृष्णा, मारकंडा, इंदौरी या दोहन। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है, किस जिले में होता है? जींद, रोहतक, हिसार या भिवानी। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, जो आपको कमेंट बॉक्स में इनके राइट आंसर जो है वो कमेंट करने हैं और अपनी हरियाणा जीके की तैयारी जो है वो चेक करनी है। और वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद जो है वो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।